हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शंस बिफोर रेस्क्यूइंग अ मैन फ्रॉम वेल। मतलब अगर जब कोई इंसान या कोई भी पर्सन कुएं में गिर जाता है तो हम उसका रेस्क्यू कैसे करें, हम उसे कैसे बाहर निकालें, हम सारी चीज़ें कैसे चेकआउट करें कि यहाँ क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होगा, हमें सारी चीज़ें तो चेक करनी है, तो हम क्या इंस्पेक्शंस करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे पहले तो कि गिरने वाला कौन है, कोई मैन है, वुमेन है या चाइल्ड है। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये भी पता लगाना होगा कि वो कितने समय पर गिरा था, जिस कुएं में गिरा है क्या वो कुआं यूज़ किया जाता था या काफ़ी समय से बंद पड़ा था। ठीक है, या उसमें पानी भी था पर यूज़ नहीं कर रहे थे लोग। ठीक है, फिर ये भी पता लगाना पड़ेगा कितने समय पर वो गिरा था, तो उससे ये हमें पता लगेगा कुएं में अगर वो ज़िंदा होगा तो पता लगेगा, या फिर वो बेहोश हो गया होगा, है ना, ये सारी चीज़ें पता लगानी होंगी। ठीक है, उसके बाद ये भी पता लगाना होगा कुआं जो था, जो वेल था, वो पक्का था या कच्चा कुआं था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, पहले तो ये चीज़ चेक करनी होगी हमें कि ये सारी चीज़ें तो रिलेटेड होगी उस इंसान के गिरने के, उससे कि वो किस कुएं में गिरा था, ये वो कुआं पक्का था कच्चा था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब पता लग जाती हैं तो हमें क्या करना होगा, देखिए कुआं जो अगर काफ़ी समय से बंद होगा तो उस कुएं, अगर वो यूज़ में नहीं लिया जा रहा होगा तो उस कुएं में कुछ गैसेस बन रही होंगी। ठीक है, तो गैसेस के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, तो क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि इसमें कौन सी गैस बनी है, कोई हार्मफुल गैसेस तो नहीं बन गई हैं। अगर हार्मफुल गैसेस बनी होंगी तो उसे इनहेल करने के बाद अगर वो इंसान काफ़ी ज़्यादा समय से उस कुएं के अंदर है तो वो पक्का उसकी डेथ हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगे कि हमारा इसके कुएं के अंदर कौन सी गैस बनी हुई है। ठीक है, तो हम पता लगाएंगे अगर उसके अंदर CO2 होगी तो पहले हम क्या करेंगे, CO2 को चेक करने के लिए एक जलती हुई चिमनी उसके अंदर भेजेंगे। ठीक है, किसी रस्सी की मदद से। ठीक है, जलती हुई चिमनी अंदर जाएगी, अगर उसके अंदर CO2 बनी होगी तो वो चिमनी क्या है, बुझ जाएगी। ठीक है, और अगर उसमें कोई जहरीली गैसेस बनी होंगी तो हम कैसे पता लगाएंगे, कोई किसी उस पर उस किसी रस्सी पे किसी सिक्के को बांध के या किसी पेड़ की एक छोटी सी टहनी को बांध के उसके अंदर ले जाएंगे और वापस बाहर निकालेंगे, तो अगर कोई हार्मफुल गैसेस होंगी तो सिक्का और वो जो टहनी थी, जो पेड़ की जो पत्ते थे, वो सब काले पड़ चुके होंगे। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर जो गैसेस बनी हैं वो कौन सी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं। अगर वो हार्मफुल गैसेस उसके अंदर हैं तो विदाउट BASF कोई भी उस इंसान जो कुएं में गिरा हुआ है, जिसको बचाने जो फायरमैन वगैरह जो जा रहे हैं, वो विदाउट BASF ना जाए। BASF यानी ब्रीथिंग एपरेटस, जो कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सांस लेना हो और एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो ख़राब हो, उस ख़राब एटमोसफेयर, उस ख़राब ऑक्सीजन को हम इनहेल ना करें, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, BASF। ठीक है, वो हम करेंगे, तो हमको सारी चीज़ें ऐसे पता लगेंगी। हमें क्या क्या पता लगाया कुएं के बारे में, कुआ यूज़ में था या नहीं, कच्चा था पक्का था, कितने समय पर इंसान गिरा था, गिरने वाला कौन था, कुएं के अंदर कौन सी गैसेस बन रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें उस इंसान को बचाना है। अब हमें उस इंसान को बचाना है तो हम क्या क्या करेंगे, हमने गैस का पता लगा लिया कि कौन सी गैस बनी हुई, फिर हम क्या करेंगे कि जब वो गैस बनी हुई है तो हम ब्रीथिंग एपरेटस पहनेंगे, एक हेलमेट अपने सर पे लगाएंगे, एक हेलमेट एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, और जो फायरमैन है वो किसकी मदद से हम उन्हें नीचे उतारेंगे, चेयर नेट की हेल्प से। ठीक है, चेयर नेट की हेल्प से उन्हें ले जाएंगे। पर्सन कैसा है, कैजुअलिटी कैसी है, ये देखेंगे, क्या वो बेहोश है, ये सारी चीज़ें उसे ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लाने के बाद कुछ उसे फर्स्ट एड दिए जाएंगे अगर वो जीवित है तो। ठीक है, सबसे पहले तो बाहर निकालने के बाद उसे गर्म कंबल से उसे ढक देना है ताकि वो गर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको फर्स्ट एड में यही उसके पेट के अंदर कितना पानी भर गया, और ये सारी चीज़ें करने के बाद पहले उसे हॉस्पिटल पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये देखिए रेस्क्यू में क्या रहता है, आपको जो भी चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो जो ट्रेंड फायरमैन है, जिसे सच में ही कुएं के अंदर जाना और उसकी सारी चीज़ें हैंडल करना आती हैं, तो ही वो जा सकता है, रोप की मदद से या फिर चेयर नेट की मदद से हम उस पर्सन को तो बाहर ले आएंगे।
ठीक है, उसके बाद हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल भी पहुँचाना है। तो इसमें यही सेफ्टी प्रिकॉशंस रहेंगे कि हमें पहले जब हम पहले चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो वो इंस्पेक्शन हमने ठीक से किया होगा तो हम होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको वैल के बारे में बताया कि हम कैसे वैल रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि फायरमैन की ये भी एक ड्यूटी रहती है कि वैल रेस्क्यू उन्हें करना पड़ता है कभी कभी किसी किसी केसेस में, तो उन्हें वो चीज़ भी ट्रेनिंग में दी जाती है कि वो लोग ट्रेन रहें कि अगर इन केस इमरजेंसी, क्योंकि हम इमरजेंसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं और इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर ही आता है ना, तो हमारे यहाँ के जो फायरमैन हैं उनको इतना तो नॉलेजेबल होना चाहिए कि अगर वो किसी वेल रेस्क्यू करना हो तो वो क्या क्या चीज़ें पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इमरजेंसी प्लानिंग से आज वेल रेस्क्यू के बारे में बताया कि आप वेल रेस्क्यू करने से पहले क्या क्या उसके इंस्पेक्शन करें और किस तरीके से उस जो भी इंसान उसमें गिरा हुआ है उसको बाहर लेके आए। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया। सो थैंक यू।